ब्लॉग बहुत दुख भरा है, हंसी आ रही है फेस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 महीना आए हुए हुआ है एंड पहला नुकसान कर लिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज यश मनचंदा एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। ब्लॉग बहुत दुख भरा है, हंसी आ रही है फेस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 महीना आए हुए हुआ है एंड पहला नुकसान कर लिया है। मैंने बोला था कमाई से लिया है मैंने मैक। हाँ, उस टाइम जॉब लग गई थी, मैकबुक गई, बच गई, बट गई। इंश्योरेंस नहीं ले रखा, हंसी आ रही है, पेरेंट्स को डरा चुका हूँ, डरा क्या चुका हूँ, मैक कर दिया मैंने, कॉर्नर से ग्लास कर दिया उसका, तोड़ दिया है। मैंने नहीं तोड़ा, खाना बनाने गया था, बंद करके गया हूँ, वीडियो एडिटिंग हो रही थी, बंद करके खाना बनाने गया हूँ। उसके बाद अभी आया हूँ और देखा है तो भाई हो चुका है नीचे से। ज़्यादा नहीं है यारा, बट नुकसान कर चुका हूँ, 80,000 रुपये की चीज़, 88,000 रुपये की अभी ली है। सोच रहा था यार इंश्योरेंस ले लूँ, मैंने वीडियो में भी बताया कि एप्पल केयर प्लस लूंगा 3,000 का, बट मैं यार $300 15,000-20,000 रुपये का इंश्योरेंस क्या करेगा यश, रहने दे केयर से। मैं इनफैक्ट, मेरे जो कॉलेज वाले फ्रेंड्स देख रहे होंगे, यूनिवर्सिटी वाले फ्रेंड्स, मैं डेली मैक को मैकबुक के डब्बे के अंदर लेके जाता हूँ। थोड़ा फैला हुआ सामान, ये पड़ा मैकबुक का डब्बा, इस डब्बे के अंदर मैं डेली डाल के लेके जाता हूँ, डेली अनबॉक्स करता हूँ, डेली अनपैक करता हूँ, डेली पैक करता हूँ इसको वापसी। हर लेक्चर में बाहर निकालता हूँ डब्बा यार, कि नुकसान ना हो। अभी टेम्पर्ड भी नहीं लगवाया था, दिखाता हूँ भाई हुआ क्या है, एक सेकेंड मिलो। ये रही वो मैक एंड तोड़ चुके हैं, थोड़ा नुकसान तो भाई नुकसान है, देख यश खुद को ही समझा रहा हूँ, नुकसान तो नुकसान है। कोने से चिप करी है, बेजल टूटे हैं इसके, एप्पल केयर प्लस। सुबह उठ के देखते हैं मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं $99, अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इस वाले ब्लॉग में। इंश्योरेंस $119 का, अगर अभी एप्पल केयर प्लस ले सकता हूँ और उस पर क्लेम मिल जाएगा तो देखते हैं, वरना ऐसे ही चलाएंगे। मैं कुछ, शुक्र है स्क्रीन नहीं टूटी, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। ब्लॉग छोटा सा था, इसी बारे में एक और वीडियो का ऑप्शन मिल गया मेरे को। एक दोस्त ने कहा था कि यश ऐसा कर, अगर तेरे से कोई क्लास नहीं निकल रही, लाइक कोई सब्जेक्ट नहीं निकल रहा, उसमें फेल हो जा, तो तेरे को एक यूट्यूब का टॉपिक मिल जाएगा। कि हाँ भाई, एक और टॉपिक मिल गया यूट्यूब का तेरे को। ऐसे टॉपिक मुझे नहीं चाहिए थे, बट आने स्टार्ट हो गए हैं, भगवान करे दोबारा ना आए, आज का दिन बहुत गंदा था। बस यही दिखा रहा हूँ कि भाई कमाई तो अभी कुछ करी नहीं है, $1,000 कमाए होंगे मैंने टोटल में 20-25 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत कम पे है मेरा। 1600 की मैक ली थी, नुकसान कर चुके हैं, 1,000+ की स्क्रीन है। कैसा लगा व्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। बस भगवान से कहूंगा दोबारा ऐसा व्लॉग ना बनाना पड़े। टिल देन विल मेक यू अनदर व्लॉग। सॉरी, व्लॉग एंड करने के बाद एक बार दोबारा से आ गया, ये वीडियो मैं 2 या 3 दिन बाद शूट कर रहा हूँ अपने मैकबुक तोड़ने के बाद। तो भाई मैंने उसी दिन रात को कंफर्म कर लिया था कि मैं मैकबुक का इंश्योरेंस ले सकता हूँ, तो उस दिन खड़े पाँव रात को मैंने दोस्त को फ़ोन करके, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े थे, मैंने बता दिया था, तो मैंने दोस्त को फ़ोन करके, क्योंकि रात को टेंशन थी कि कैसे मैनेज होगा, क्योंकि एप्पल केयर प्लस मेरे लैपटॉप में शो, मेरी मैक में शो कर रहा था। तो $119 का मैंने 1 साल का मैक का इंश्योरेंस लिया, तो 119, 7,000 तो मेरे ये गए। और अब स्क्रीन चेंज कराने का खर्चा है मेरा $149-150 के आसपास, तो 12-159 लगभग 8-9,000 रुपये लग गए बेखाम का। बस लाइक हुआ क्या था, वो जो बेजल है बहुत, मतलब गैप नहीं है इस लैपटॉप की कीपैड वाले एरिया में, उस स्क्रीन में जो मैक यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा, मैंने तो पहली बार यूज़ करी थी, तो वहाँ पर कोई पार्टिकल शायद खाने का अड़ा या कुछ अड़ा, तो मैं मैक को बंद करके गया था, वो चिप हो गई साइड से। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो फाइनली बेखाम में 20,300-400-270-300 डॉलर का खर्चा कर लिया है बेखाम में। बट कोई ना, स्क्रीन बाद में चेंज कराएंगे। मैं चैटस्टोन स्टोर, जो जहाँ से मैंने मैक ली थी, तो एप्पल के ऑफिशियल स्टोर जाके मैं पता कर लिया था इस बारे में, तो वो कह रहे हैं कि, मैंने उनको इंश्योरेंस लेने के बाद बताया कि ऐसे ऐसे है कि इंश्योरेंस ले रखा है और क्या, ये टूट गई है मेरे से, तो वो कहते हैं हाँ आपका ये चेंज हो जाएगा $150 में। तो प्लान तो नहीं है आगे तोड़ने का, बट वो सुना है ना एप्पल को तोड़ के दोबारा कुछ कर सकते हैं, तो प्लान नहीं है ऐसा कुछ। कभी एप्पल वाले, शायद वायरल हो जाए वीडियो और कोई देख के मेरे को, तो
प्लान नहीं है ऐसा कि तोड़ने का, बट हाँ अब के ठीक ठाक रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी, पैसा बहुत है तो ऐसे रखनी है अभी मैक। देखते हैं अगर 1 साल का इंश्योरेंस, अगर और कोई सीन बनता तो एक ही बार ठीक कराऊंगा, एक ही बार सर्विस चार्ज पे करूंगा। दोबारा बोलो, क्वेन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत बार बोलना पड़ता है आप सभी को, सपोर्ट करो जितना कर सकते हो। एंड राधे राधे, बॉय फ्रॉम इंडिया अगेन, राधे राधे।